हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं देखेंगे आप लोगों के लिए एक उलेन रुमाल का डिज़ाइन लाई हूँ, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं होंगे। तो मैं इसमें तीन कलर का ऊल यूज करूँगी, तो आप लोग इसे सिंगल कलर से भी और मल्टी कलर ऊल से भी और टू कलर ऊल में भी बना सकते हैं। तो मैं इसके लिए टू प्लाई ऊल ली हूँ। आप लोग इस डिज़ाइन को फोर प्लाई, टू प्लाई या थ्री प्लाई कोई भी ऊल से बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले आपको छः चेन बनाना है, और छः चेन बनाने के बाद आप लोग चेन को ज्वाइंट करिएगा, और चेन के अंदर में आप लोग 25 डबल क्रोशिया बनाइएगा। और 25 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आप लोग तीन तीन डबल क्रोशिया छोड़कर उसके अंदर में आपको बबल्स बनाने हैं। आप लोग पहले दो बार उल को खींचिएगा और फिर सिंगल क्रोशिया से उसको ज्वाइंट करिएगा, फिर बीच में आप लोग दो चेन दीजिएगा, फिर उसी सेम जगह पर आपको दो बार उल को खींचना है और सिंगल क्रोशिया से उसको ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, जो आपको यहाँ पर एक दो तीन चार, तो इस तरह से ये देख रहे हैं। तो मैं एक दो तीन चार, फिर पाँच छः, दो दो चार छः, एक सात डिज़ाइन इसमें बनाई हूँ। तो सात बार आप लोगों को यहाँ पर बबल्स बना लेने हैं। बीच में आप लोग दो दो चेन का इस्तेमाल करिएगा, बीच में आप लोग यहाँ पर दो चेन इस्तेमाल करिएगा, और ये जो बबल्स बनाए हैं यहाँ पर भी आप लोग दो चेन का इस्तेमाल करिएगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर, मैं सात बनाई हूँ, आप लोग यहाँ पर सात भी बना सकते हैं, छः भी बना सकते हैं और आठ भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये जब डिज़ाइन बन जाए दूसरी लाइन, तो फिर तीसरी लाइन में आपको यहाँ से इस डिज़ाइन को स्टार्ट करना है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो इस बबल्स के अंदर में ही आपको फिर बबल्स बनाते जाने हैं। तो इस डिज़ाइन को कंटिन्यू आपको रखना है, और फिर यहाँ पर आप लोग बीच में एक एक चेन का इस्तेमाल करिएगा, दो बार उनको खींचिएगा, फिर यहाँ पर दो चेन, फिर एक डबल क्रोशिया इस चेन के भीतर में, फिर दो चेन, फिर यहाँ पर ये दूसरा वाला डिज़ाइन। तो इसी तरह से आपको इसका पहली लाइन बनाना है, और ये जब एक वाला बन जाए तो फिर यहाँ पर आपको इस डिज़ाइन को बनाते जाना है, और फिर यहाँ पर दो चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर इसके अंदर में इस डिज़ाइन को बनाना है। तो इसी तरह से आप लोग इस डिज़ाइन को बार बार रिपीट करते जाइएगा, और आपको जितना बड़ा बनाना हो इस तरह से आप लोग आगे देख सकते हैं, जो इस तरह से बनाइएगा। और जब ये आपका डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद देखिए, मैं हर एक डिज़ाइन में दो दो डबल क्रोशिया बनाती गई हूँ इस तरह से। तो आप लोग चारों साइड में फिर यहाँ पर दो दो डबल क्रोशिया का इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको दूसरे कलर का ऊल यूज करना है तो दूसरे कलर का ऊल यूज कर दीजिएगा और इसको तोड़ दीजिएगा, नहीं तो आप लोग फिर इसी कलर से वहाँ पर डबल क्रोशिया को बनाते जाइएगा। तो इसी डबल क्रोशिया को आप लोग चाहे तो यहाँ पर ऊपर में चार लाइन यहाँ पर बना सकते हैं, और फिर आप लोग अगर पोम पोम लगाना चाहते हैं तो यहाँ से फिर आपको एक दो तीन चार पाँच, थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको चेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप लोग 20 चेन बनाकर फिर ये पांच डबल क्रोशिया बनाइएगा, और बीच में आप लोग यहाँ पर चेन भी बना लीजिएगा, और फिर पोम पोम लगाने के लिए आप लोग थोड़ी थोड़ी दूर में इस तरह से 20-20 चेन का इस्तेमाल करते जाइएगा। और बाद में आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपको पोम पोम अच्छा लगे वो आप लोग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसको यहाँ तक बनाई हूँ, और जब पूरा कर लूँगी तो आपको इसका दूसरा वीडियो ज़रूर डालूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज का ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग कम से कम 80 ग्राम ऊल ले लेना है, आप लोग कुछ ज़्यादा ही ले लीजिएगा, ताकि बचेगा तो कुछ यूज़ कर लीजिएगा, घट जाएगा तो फिर ऊल दूसरा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए कम से कम आप लोग 70 से 80 ग्राम ऊल ले लीजिएगा। अगर आप लोगों को छोटा बनाना हो तो आप लोग छोटा डिज़ाइन बनाइएगा यहाँ पर इस डिज़ाइन को, और फिर आप लोग यहाँ पर ये दो लाइन का या चार लाइन को इस्तेमाल करिएगा, फिर आगे पोम पोम लगा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।